शुद्ध वातावरण में जहर घुल रहा हॉट मिक्सर प्लांट, स्थानीय लोगों ने खड़े किए कई सवाल। पचवादून के विकास नगर क्षेत्र में हॉट मिक्सर प्लांट एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर संचालित किया जा रहा है। क्या यहां पर प्रशासन ने हरी भरी खेती व आबादी के निकट हॉट मिक्सर प्लांट को संचालित करने की अनुमति दी है या नहीं, या फिर फर्जी तरीके से बिना अनुमति इस हॉट मिक्सर प्लांट को संचालित किया जा रहा है, यह एक जांच का विषय है। लेकिन हरी भरी खेती के बीचों बीच और आबादी क्षेत्र में इस हॉट मिक्सर प्लांट को संचालित करना अपने आप में एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर हॉट मिक्सर प्लांट स्वामी सीधे सरकार को चुनौती देने का काम कर रहा है और क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे कई नियम है जिनका पालन नहीं किया गया है। धड़ल्ले से डामर प्लांट स्थापित कर दिया गया और संचालित किया जा रहा है। ताजा तस्वीर शिमला बाईपास हाईवे से लगते हुए हसनपुर कल्याणपुर सभा वाला के बीच के सामने आ रही है। पर्यावरण में जहर घोल रहा हॉट मिक्सर प्लांट का काला धुआं, इसको देखकर भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आंखें नहीं खुल रही है। यह हॉट मिक्सर प्लांट शुद्ध वातावरण में जहर घोलने का काम कर रहा है। यहां एक और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड में जगह जगह पेड़ लगाओ पर्यावरण को बचाओ, भीषण गर्मी से वह प्रदूषण मुक्त उत्तराखंड बनाना चाहते हैं, वहीं प्रदेश के संबंधित विभाग के अधिकारी उनकी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। वहीं इस हॉट मिक्सर प्लांट की चिमनी से निकलने वाले गहरे काले धुएं से जहां चारों ओर खड़ी खेती सूख रही है, तो वहीं आमजन के साथ ही हॉट मिक्स प्लांट के आसपास की आबादी को भी शुद्ध हवा देने के लिए जूझना पड़ रहा है। हॉट मिक्सर प्लांट की चिमनी से निकलने वाला काला धुआं किसी स्वस्थ आदमी को भी बीमार कर सकता है। वहीं सूत्रों की मिली जानकारी, वीडियो में जहर घोलता इस हॉट मिक्सर प्लांट को संचालित करने की अनुमति एनजीटी से प्राप्त नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार की कोई अनुमति भी नहीं है, फिर भी पिछले लंबे समय से काला जहरीला धुआं निकलता और आसपास की हरी भरी कृषि को नष्ट कर देता है और किसान बेचारा किस्मत का मारा कुछ नहीं कर पाता। क्या किसी जिम्मेदार को इस जरह जहर उगलते हॉट मिक्सर प्लांट पर किसी की नजर नहीं पड़ती, या फिर संबंधित विभाग प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करने में लगे हैं और यह हरे भरे नोटों की गड्डियां पहुंच जाती है। ऐसे में यह हॉट मिक्स प्लांट संचालित जिम्मेदारों पर कई सवाल खड़े करता है। पचदून विकास नगर से ब्यूरो रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। क्षेत्र में चल रहे हॉट मिक्स प्लांट भी एक कहीं ना कहीं जनता को बीमारियों की ओर धकेल रहे हैं। हॉट मिक्स प्लांट जो संचालित है उनके अपने मानक होते हैं और उनके मानकों का अगर उल्लंघन है तो उसका भी निरीक्षण कराया जाएगा। धन्यवाद सर।